नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 4 अगस्त वर्ष 2021 है। 10th H2 में Maths 2 का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक जानकारी, कुछ सूत्र, कुछ नियम आपको बताए थे। चलिए शॉर्टकट में वापस से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं उसको। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 हो तो पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगाते हैं। इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया था, वो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में यानी कि 3 तारीख 3 अगस्त के वीडियो में वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था पाइथागोरस का ट्रिक। इसमें त्रिभुज की यदि 3 भुजा दिया हुआ है और उन तीनों भुजाओं में यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, एक सेकेंड वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है, हाँ सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या यदि अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। इसे पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं और यह है क्या, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तीसरा 30 60 90 का प्रमेय मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का माप 30 अंश हो, दूसरे कोण का माप 60 हो, तीसरे कोण का माप 90 अंश हो तो 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की √3/2 गुनी होती है। इसको 30 60 90 का प्रमेय कहते हैं। इसके बाद में चौथा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण का माप 45 हो, दूसरे कोण का भी माप 45 हो, तीसरे कोण का माप 90 अंश हो तो 45 अंश के सामने की भुजा ये बराबर होती है तथा एक कर्ण की 1/√2 गुनी होती है। इसे 45 45 90 का प्रमेय कहते हैं। पांचवा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश हो और जो समकोण वाला शीर्ष बिंदु है वहां से कर्ण पर लंब खींचा गया है तो ये जो तीन तीन समकोण त्रिभुज बनते हैं, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज और ये दो छोटे वाले समकोण त्रिभुज, ये आपस में समरूप होते हैं। इनका समरूप लिखने का जो तरीका है उसका भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो पिछले वीडियो में आप विस्तार से उसको समझ लेना। अब जो है एक सूत्र केवल रह गया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग प्रश्न संग्रह के सवाल शुरू करेंगे। तो जो नियम शेष रह गया है, मैंने अब तक आपको कितने नियम बताए हैं? अब तक मैंने आपको कुल 5 नियम बताए हैं। छठवां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस नियम को कहते हैं ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। अच्छा, ये नियम कब लगता है पहले वो समझ लो आप। जैसे कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बी 90 है, कोण बी 90 है और यहाँ जो शीर्ष बिंदु 90 अंश है वहां से कर्ण कर्ण पर लंब खींचा गया है, यानी बी पी यहाँ पर लंब है भुजा ए सी पर। तो हम लोग ये एक फार्मूला लगाते हैं जिसको कहते हैं ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। फार्मूला कैसे लगता है देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये 1 2 3, ये 3 बिंदु लाइन से है तो ये तीन एक लाइन में है तो बीच वाला पॉइंट देखिए आप, तो बीच का पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो कैसे करना, देखो ये पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये ऐसे करना है, एक बार पी बी फिर पी ए फिर पी सी, एक बार पी बी फिर पी ए फिर पी सी। तो कैसे लिखेंगे, पी बी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी सी, ये ज्यामितीय माध्य का सूत्र हो गया। जब भी ये सूत्र लगाओगे कारण ब्रैकेट में यही लिख देना, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय।
तो छह सूत्र हैं, छह सूत्र के आधार पर ये चैप्टर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए आगे। आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हो बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग सब? मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जो मेरे नोटबुक में जो कुछ लिख रहा हूं सब साफ साफ दिख रहा है? सब क्लियर दिख रहा है जो भी लिख रहा हूं मैं? रिस्पॉन्स दो बेटा। ओके बेटा, तो चलो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 2.1। किताब आपके पास में है? ठीक है, तो आप लोग आप किताब में ही सवाल देख लेना। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न संग्रह। प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल देख लीजिए। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए और कारण सहित लिखो। हमको करना क्या है? पाइथागोरस का त्रिक पहचानना है। पाइथागोरस का त्रिक पहचान कर पहचानिए, और पहचानने के बाद में कारण लिखना है कि किस कारण से वो पाइथागोरस का त्रिक है और किस कारण से नहीं है। यदि है पाइथागोरस का त्रिक तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? तो कारण तो एक ही होता है, वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। चलो पहला शुरू करते हैं। पहले का पहला, यहाँ पर तीन त्रिक दिया है, 3, 5 और 4। तो पाइथागोरस के त्रिक की पहचान क्या क्या कैसे बताई थी मैंने पिछले वीडियो में? बताया था मैंने, सबसे पहले सबसे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लिखो। इसमें सबसे बड़ी कौन है? 5। देखो सबसे बड़ी है तो 5 का वर्ग निकाल लो, कितना आ जाएगा? 25। 5 × 5 = 25 होता है, नंबर वन। अब बाकी जो दोनों भुजाएं हैं उनका वर्ग करके उन्हें जोड़ दो। सबको ब्लर दिख रहा है कि सिर्फ एक जन को? क्लीन दिख रहा है। अब देखो, ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लिया, अब बाकी दोनों भुजा का भी वर्ग निकाल के जोड़ दो। जैसे बाकी भुजा कौन सी है? 3, 3 है और 4 है, तो इसका भी वर्ग कर दो। जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब इनको प्लस कर दो, जोड़ दो। तो 3² + 4² 3² + 4² ये बराबर कितना आ गया? 9 + 16 आ गया। ये साइड में करता हूं मैं। हाँ तो देखो, 3² + 4² 9 + 16 = 25 आ रहा है, ये नंबर टू। अब देखो वन में भी ये देखो वन में भी हमें जो आंसर मिला था, टू में भी वही आंसर मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले ये लिख दो। हाँ, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 3² + 4² 1 और 2 से। तो यहां देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसलिए यह पाइथागोरस का त्रिक है। इसलिए यह पाइथागोरस का त्रिक है। कारण आप ये लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। कारण क्या लिखना? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये आपका कारण हो गया। कोई डाउट? क्या लिखना है बोलो?
तो बेटा इसी को पाइथागोरस का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहते हैं। आप वो स्टेटमेंट लिखो या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिख दो, बात एक ही है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम विलोम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही कहता है कि कर्ण का वर्ग यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो आप या तो वो स्टेटमेंट लिखो पूरा, या तो फिर ये सीधा ऐसा लिख दो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ऐसे ही दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है? पहले का दूसरा 4, 9 और 12। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12। तो 12 का वर्ग निकाल लो, 144 आ जाएगा नंबर वन। फिर बाकी बाकी भुजा 4 और 9 है, उनका भी वर्ग निकाल लो। 4 का वर्ग 9, सॉरी 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 9, 9 81। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 4 स्क्वायर प्लस, हाँ तो ये प्लस करेंगे 6 और 1 7, ये 97 आ रहा है। देखो तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो 12 स्क्वायर है और ये 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है, इन दोनों का आंसर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। इसलिए 4, 9, 12 यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। पाइथागोरस का त्रिक नहीं है, कारण वही लिखना, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, हाँ विलोम से। तो इसी तरह बाकी के सवाल कर लोगे, 3, 4, 5, 6। हाँ तो ये आप लोग ऐसे ही कर लेना। अब हम लोग दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है कि आकृति दी है। देखो ऐसे एक आकृति दी है, ये त्रिभुज एम एन पी, और यहाँ पर कि कोण एन 90 अंश है, फिर यहाँ एन क्यू लंब खींचा गया है। और इसमें क्या दिया है? देखो इसमें हमें दिया है कि एम क्यू का मान 9 है। एम क्यू यहाँ जो एम क्यू है वो 9 है, एम क्यू 9 है, एम क्यू 9 है। और क्यू पी जो है वो 4 है, क्यू पी यहाँ पे 4 4 है। तो एन क्यू का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो 6 नियम आपको बताए हैं उसमें से कौन सा नियम यहाँ पे लगेगा? लास्ट वाला नियम लगेगा, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है? एन क्यू का मान, एन क्यू का मान। तो हल शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये लिखा करो कि हम सूत्र क्यों लगा रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज एम एन पी में कोण एन 90 है और एन क्यू लंब है एम पी पर। ये दो जानकारी हमें दी गई है इसलिए हम ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगा रहे हैं। हाँ, वो कारण लिखना पड़ेगा। कैसे बताया था मैंने, सूत्र कैसे लगाते हैं? बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? क्यू आ रहा है, तो एक बार क्यू एन, फिर क्यू एम, फिर क्यू पी, है ना? तो कैसे लिखेंगे? क्यू क्यू एन का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू क्यू पी। कारण यहां लिख देना, ज्यामिति माध्य का प्रमेय, ज्यामिति प्रमेय, किताब में पीछे प्रमेय दिया है, ज्यामिति माध्य का प्रमेय। ठीक है, किताब में ज्यामिति माध्य का प्रमेय दिया है ना, तो इसलिए हम प्रमेय ही लिखेंगे। तो ज्यामिति माध्य का प्रमेय,
अब क्यू एन का मान हमें कितना दिया था, क्यू एन हमें ज्ञात करना है, तो क्यू एन वैसे ही लिखो, क्यू एम का मान 9 दिया है, क्यू पी का मान 4 दिया। देखो सबका वर्गमूल ले सकते हैं हम लोग, तो गुणा करने से अच्छा वर्गमूल ले लो, वर्ग मूल लेने, गुणा करके भी लोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो क्यू एन स्क्वायर का वर्गमूल क्यू एन, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो क्यू एन कितना आ गया, 6 आ गया। यस 6, 6 इकाई। आपको वहां पर अगर सेंटीमीटर वगैरह नहीं, 6 इकाई इसलिए लिखे कि कोई भी लंबाई की कोई ना कोई इकाई होती है, या तो सेंटीमीटर में होता है या तो मीटर में होता है। लेकिन यदि हमें लेकिन सवाल में यदि कोई भी इकाई नहीं दी है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो हम लोग इकाई लिख देते हैं, यहाँ कोई भी इकाई हो सकती है। इससे क्या पता चलता है कि जो भी पेपर चेक करेगा उस एग्जामिनर, उसको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि कोई भी अंक लिखने, जब माप लिखते हैं तो उसके साथ उसकी इकाई भी लिखी जाती है। तो हाँ, तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरे सवाल में देखो क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, यहाँ पे कोण पी 90 है, फिर यहाँ पी क्यू पी एम खींचा गया है, और सवाल में लिखा है कि पी एम लंब है क्यू आर पे, मतलब ये भी 90 डिग्री रहेगा। इसके बाद में क्यू डैश एम डैश आर लिखा ही है, पी एम का मान 10 दिया है, क्यू एम का मान 8 दिया है, और सॉरी पी एम का मान, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, पी एम का मान 10 है, पी से एम का मान 10 है, ये वाला मान जो है वो 10 है। उसके बाद क्यू एम का, क्यू से एम का मान 8 है, तो हमें यहाँ पर क्यू से आर का मान ज्ञात करना है, क्यू से आर का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस का त्रिक लगा सकते हैं। देखो पी 90 है और पी, हाँ नहीं, प्रमेय का विलोम नहीं, सॉरी, ज्यामिति माध्य का प्रमेय, ज्यामिति माध्य का प्रमेय से ये है ना, एम पी एम क्यू एम आर, तो अपने को एम आर मिल जाएगा, फिर इस एम आर में एम क्यू को प्लस कर देना तो क्यू आर मिल जाएगा, एम आर और एम क्यू है ना। तो ये दत्त में क्या करना है, दत्त में पहले तो आप सारी जानकारी लिख दो, क्या जानकारी है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कितना है, 90 अंश है, फिर पी एम लंब है क्यू आर पे, फिर पी एम का माप 10 दिया है, क्यू एम का माप 8 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है किसका मान, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग शुरू कर देंगे हल, तो ज्यामिति माध्य का सूत्र क्यों लगा रहे हैं पहले वो लिखो, हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 90 अंश है और पी एम लंब है क्यू आर पे। तो ज्यामिति माध्य का सूत्र कैसे लगता है, क्यू एम आर, बीच में एम आ रहा है, तो एम पी का स्क्वायर, एम पी स्क्वायर बराबर एम क्यू इंटू एम आर। वीडियो ब्लर हुआ क्या, वीडियो ब्लर हो गया है क्या, क्लियर दिख रहे हैं, ओके ठीक है। एम पी का मान कितना, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, एम क्यू है 8, तो 8, और एम आर हमें ज्ञात करना है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, 10 धाम में 100, ये इंटू 8 और बराबर 8 गुणे एम आर। अब 8 को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 100 भागे 8 हो जाएगा, एम आर बचेगा। अब आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 2 बज गया तो 20 हो गया, 20 हो गया तो 8 दूनी 16, तो 20 था 16, 4 बज गया, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो एम आर का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया। तो ये एम आर का मान 12.5 आया, हमको क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग
वहां पे क्या था, क्यू डैश एम डैश आर था, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। यहाँ पर क्यू एम का मान 8 है और एम आर का मान अभी 12.5 मिला है ना अपने को, पीछे 12.5 मिला है, तो ये 12.5 भी लिख देते हैं। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर अपने को मिल जाएगा 12×8=20, 20.5 इकाई। तो यहाँ पर क्यू आर भी मिल गया, समझे बेटा? समझ में आया हो तो आगे चलें। मैं थोड़ा कैमरा जरा सेट कर दूं, थोड़ा कैमरे की सेटिंग बिगड़ गई है, एक सेकेंड। तो ये था अपना तीसरा सवाल, चौथे सवाल पे चलें अब। यदि समझ में आ गया हो तो चौथे सवाल पे चलते हैं। चलो अब शुरू करते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखो कैसा डायग्राम है। ये पी एस और आर, यहाँ पर कोण एस 90 है, एस आर की लंबाई 6 दी है, कोण पी का माप यहाँ 30 अंश दिया हुआ है। अब इस जानकारी के आधार पे हमें आर पी और पी एस इन दो भुजाओं के माप ज्ञात करने हैं। तो बेटा आप लोग को ये जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर प्लस किया जाए तो टोटल कितना होता है? नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये 90 दिया है, ये 30 दिया है, तो कितना हो गया ये? आह 120 हो गया। तो कितना कम है 180 होने के लिए? हाँ, इसका मतलब इस कोण का माप 60 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कोण आर का माप ज्ञात करना, उसके बाद में हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे त्रिभुज त्रिभुज पी एस आर में कोण एस कितना है, कोण एस 90 है, कोण पी 30 है। तो आप ऐसा लिख दो कि कोण पी प्लस कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 अंश, कारण त्रिभुज का गुणधर्म है ये कि तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। अब इसमें P का माप 30 है, S का माप 90 है, कोण R का माप हमें नहीं पता है, तो वैसे ही लिख दो 90 और 30 120 प्लस कोण R बराबर 180। 120 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण R बराबर 180 माइनस 120, तो कोण R कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो कोण आर यहाँ पर हमें मिल गया 60 अंश। इसे मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दिया नहीं था, हमने ज्ञात किया है। तो अब देखो 30, 60, 90 का मैंने आपको एक प्रमेय बताया था, एक नियम बताया था, वही नियम यहाँ पर लगने वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 30 अंश के सामने की भुजा कौन सी है? इधर ये साइड में लिखता हूं मैं, त्रिभुज पी एस आर में देखो कोण पी कितना है, 30 है, कोण एस कितना है, 90 है, और कोण कोण आर हमने अभी भी 60 निकाला है। अब मुझे बताओ 30 अंश के सामने की भुजा का सूत्र कैसे लगेगा यहाँ?
कोई बताएगा 30 अंश के सामने की भुजा, मैंने कल बताया था आपको, बोलो 30 अंश के सामने की भुजा पहले बताओ, बोलो। नहीं बेटा, पी कोण पी के सामने, 30 अंश के सामने की मतलब कोण पी के सामने की भुजा क्या होगी? एस आर होगी। फिर ये साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, 90 के सामने की भुजा यानी कर्ण। 30 60 90 का प्रमेय कल सिखाया था ना मैंने, किसी त्रिभुज में एक कोण 30 हो, एक कोण 60 हो, एक कोण 90 हो, तो 30 अंश के सामने की भुजा। हाँ, तो यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा बताओ, एस 90 है तो एस के सामने की भुजा हो जाएगी पी आर बटे 2 होता है, तो एस आर का मान देखो 6 दिया है, एस आर 6 दिया है, ये हो जाएगा पी आर बटे 2, तिरिया गुणा करेंगे तो पी आर 12 मिल जाएगा, 12 इकाई। तो देखो एक माप हमको मिल गया है, ये आर पी पूछा था तो देखो ये आर पी मिल गया, आर पी बोलो या पी आर बोलो एक ही बात है। अब पी एस कैसे निकालेंगे, पी एस तो 60 अंश के सामने की भुजा बताओ, 60 अंश के सामने की भुजा क्या है यहाँ, पी एस है, आर 60 है ना, तो उसके सामने की भुजा है पी एस, 90 अंश के सामने की भुजा है पी आर, ये बटे 2 होता है और ऊपर √3 लिखते हैं, 30 60 90 का प्रमेय, √3। अभी इसमें पी एस का मान हमको पता नहीं है तो पी एस वैसे ही लिखो, √3 वैसे ही लिखो, पी आर हमने अभी भी 12 निकाला है तो ये 12 वैसे, और नीचे 2 है तो 2 6 12, तो पी एस का मान आ जाएगा 6 √3 इकाई। तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा बेटा, अगला लेक्चर भी है मेरा। कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है ये बता दो पहले, देख लेते हैं जरा। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, 12 लोगों ने, तो 12 स्टूडेंट। ये सवाल, हाँ अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये जो मैंने आपको कराया है वही आपको खुद से करना है, खुद से करना। हाँ, 2.1 के 4 सवाल खुद से करिए। हाँ ठीक है, यही आपका होमवर्क है। ओके बेटा, चलो ओके, बाय बेटा, बाय।